ठीक होंगे और एक और फ्लॉग के साथ हाजिर हूँ। और वाकई ही ये बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था हमने फ्रैंकफर्ट जाने का, क्योंकि यहाँ पे सुबह बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब था और हमारे सिटी से फ्रैंकफर्ट का रास्ता तकरीबन कोई 50 मिनट्स का है, और अगर ट्रैफिक वगैरह ना हो तो काफ़ी मौसम सुबह यहाँ ख़राब था। और हमें ये था कि पता नहीं सही होता है क्या होता है मोटरवे, मतलब क्योंकि काफ़ी स्लिपरी हो जाता है तो फिर थोड़ा अवॉइड करना ही बेहतर होता है। बहरहाल हमारा सफ़र शुरू हो गया था और मूसा साहब को तो जल्दी उठा दिया गया था, इसलिए वो तो सो गए थे रास्ते में, उसको तो नींद पूरी करनी थी। और यहाँ पे मोटरवे की सूरत हाल ये थी कि मच बेटर, क्योंकि ये लोग साथ के साथ सॉल्ट का स्प्रे करते रहते हैं तो उससे ये होता है कि बर्फ़ जमती नहीं है रोडों पे और आपको स्लिपिंग या इसका कोई ख़तरा नहीं होता। और जैसे जैसे हम फ्रैंकफर्ट की तरफ जा रहे थे तो काफ़ी मतलब स्नो वगैरह कम होती जा रही थी, मतलब जब तक हम अपने सिटी से निकले हैं तो हमें काफ़ी यहाँ पे बर्फ़ नज़र आ रही थी और मतलब कंटिन्यूसली आपके हो रही थी स्नो फॉलिंग। तो लेकिन हम जब तक पहुँचना हमें वहाँ था तो रास्ते में मोटरवे और आसपास थोड़ी कम होती जाएगी, तो हमें था कि आगे जाके भी मौसम सही हो जाएगा। और वहाँ पे 9 बजे पहुँचना होता है, खुल जाता है वहाँ का ऑफिस हमारी एम्बेसी जो पाकिस्तान की है। और तो यहाँ हम फ्रैंकफर्ट पहुँच चुके थे और यहाँ पे बिल्कुल कोई स्नो नहीं थी, कोई बारिश नहीं थी, बट ठंड बेइंतहा थी। और ये सिटी मुझे देख के कभी कभी अपना कराची याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं और जिस सिटी में मैं रहती हूँ कालसुए में, वहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, मतलब नॉर्मल है। लेकिन ये इसका बानहोफ यानी कि इसका ट्रेन स्टेशन है और फ्रैंकफर्ट का, और बाकी जनाब यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी वो होती हैं, मतलब आपके होटल वगैरह। और यहाँ -9 था, नो स्नोइंग नो रेन कुछ ऐसा नहीं था, बट यहाँ पे हमारे जितना हम अपने सिटी से निकलते वक्त वहाँ स्नो के बावजूद भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, मतलब काफ़ी स्नो वगैरह थी, लेकिन टेम्परेचर वहाँ पे -6 में थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। बहरहाल हमने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, मैंने वहाँ पे जो अपने पासपोर्ट का रिन्यू का प्रोसेस था वो मतलब उनको वो करके आई, वहाँ की फीस वगैरह सब कुछ पे करके, तो जनाब हमारा वापसी का रास्ता शुरू हो गया था। और अब हम घर पहुँचते हैं और घर पहुँच के यहाँ पे फिर वैसा ही मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड और स्नो। और ये हमारे घर का मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्क कर दी है और अब घर की तरफ जा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मैं वही देख रही थी कि कहाँ पे हम लोग से होके इतनी दूर से आए हैं, और वहाँ पे काफ़ी साफ़ और सब कुछ था और यहाँ पे फिर वैसे ही मौसम हम लोग फेस करेंगे। तो जनाब आते ही चाय रख दी है चूल्हे पे और खाना मुझे बनाना है, तो आज मैंने सोचा था कि मैं वाइट चिकन कढ़ाई बनाऊँगी, बट मेरा कोई ऐसा मूड नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र करके आना, और फिर तो फिर सबसे पहले चाय और बहुत जल्दी जल्दी के मैंने कहा जो सोचा हुआ बनाना तो वही है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मैंने शॉर्ट करके बनाया और लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े की बनी। और चिकन मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो उसके लिहाज से मेरे पास क्रीम भी पड़ी हुई थी, योगर्ट भी था और अनियन हरी मिर्चें और ये सब चीज़ों को मैंने रखा जल्दी जल्दी और झटपट से बनाना शुरू की अपनी चिकन वाइट कढ़ाई। चिकन वैसे मैं वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा इसको वॉश करना चाहती थी और मैंने बिल्कुल झटपट वाला स्टाइल किया कि बहुत ज़्यादा जिसमें टाइम ना लगे और मेरा खाना भी बन जाए। और रास्ते में वैसे हम लोगों ने वहाँ से तुर्किश नान वगैरह मिलते हैं तो वो खा लिए थे, वो तो एक तरह से ब्रेकफास्ट था, और कॉफ़ी वगैरह पी ली थी तो काफ़ी थोड़ा गुजारा हो गया था। और अब शाम के 3 बज रहे थे और मैंने आते ही नहीं सोचा, तो दिल कर रहा था कि थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं खाना बना लूँगी क्योंकि फिर रात में भूख लगती तो बना हुआ होना चाहिए। तो मैं इसको बहुत झटपट से स्टाइल में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा एक था कि जल्दी से बन जाए, और बहुत ज़्यादा दिल नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से पहले प्याज को मैं एक और तरीके से बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा प्याज बॉईल कर लेती हूँ और फिर उसको ग्राइंड करती हूँ, तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है प्याज और बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अब थोड़ा मैंने दूसरे तरीके से बनाया, इसमें प्याज भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दी, और मैं थोड़ी सी अदरक और लहसुन भी डाल दूँगी और इन सबको एक साथ ग्राइंड कर लूँगी।
तो जनाब ये झटपट वाली चीज़ है, तो ये इसको ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल वो ना हो ड्राई ड्राई, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। और आगे का प्रोसेस भी मैं ये करूँगी कि ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है, इसको ऑयल में डालूँगी। तो जनाब ये मेरी वाइट कढ़ाई ऑन द वे है और ये बन रही है और उम्मीद है अच्छी ही बनेगी और ये अच्छी ही बनेगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर तो बाद में कर रही हूँ, मैं इसको खा पी चुकी थी और ये मेरी वीडियो काफ़ी दिन से रिकॉर्ड भी हो गई थी। तो जनाब ऑयल इतना थोड़ा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि जले हैं मसाला और साथ साथ चाय भी है, और मेरा मतलब एक माइंड ये था कि मैं इसको हाफ डन कर दूँ और फिर सुकून से चाय पीऊँ। तो जनाब इसको मैंने खाली चिकन को ऑयल में बगैर कुछ डाले इसको अच्छा सा फ्राई किया और ऐसे 3-4 मिनट, और उसके बाद मैंने अपना ग्राइंड किया हुआ मसाला डाला जो प्याज हरी मिर्च अदरक लहसुन का था और साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। तो जनाब अब इसको मैं हल्की आग पे रख दूँगी क्योंकि मेरी चिकन भी गल जाएगी और साथ जो मसाले में थोड़ा सा कच्चापन था वो भी, और ये बाद की चीज़ है जो मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी, और योगर्ट और दही ये भी मैं बाद में डालूँगी, हरा धनिया और पुदीने से मैं बाद में इसको गार्निश करूँगी। तो जनाब मेरी कैंडल आ चुकी है अंदर और ये मेरी चाय जा रही है, और चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, सर भी भारी भारी हो रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि बंदा बाहर से होके आए थोड़े लंबे सफ़र से तो अच्छा खासा मतलब हेडेक वगैरह ये हो जाता है। तो जनाब मैंने इसको भून लिया है और अब मैंने इसमें योगर्ट और क्रीम, पहले योगर्ट डालूंगी और इसको थोड़ा सा मतलब इसको भून लूँगी, और इसको इसका ऑयल देखिए कितना अच्छा सेपरेट हो गया था, और इसके मसाले का कोई कच्चापन जो मैंने प्याज अदरक लहसुन जो सारा ग्राइंड करके डाला था कुछ भी नहीं मतलब वो फील हो रहा था और सही पकी हुई थी। और तो जनाब इसको दही डाल के भूनूँगी और फिर इसमें मैं जाऊँगी, इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम और इसमें मिर्चें, तो हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा थी, हमारे यहाँ वैसे भी स्पाइसी खाया जाता है लेकिन फिर भी इसमें लाल मिर्ची तो बिल्कुल नहीं डलती। तो जनाब अब मैंने क्रीम भी डाल दी है लेकिन मैंने थोड़ी सी मैं वैसे हमेशा डालती हूँ ब्लैक पेपर, लेकिन इस मरतबा मैंने नहीं डालती क्योंकि मेरे पास छोटी हरी मिर्च थी। तो जनाब ये मेरी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है और मैंने इसको हॉट पॉट में डाल दिया है, और ये इसकी गार्निशिंग थी जो मैंने इसको गार्निश किया था, और मैंने इसको हॉट पॉट में इसलिए डाल दिया है कि मेरा तो चाय के साथ मैंने बिस्किट वगैरह खा लिए थे और कुछ सुबह का नाश्ता जो हमने किया था बाहर से वो भी काफ़ी था, तो मैंने इसको हॉट पॉट में डाल दिया, मेरे हस्बैंड खाएंगे इसको, और रोटियां भी मैंने बना दी थी। तो जनाब ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग और छोटी सी अपनी चीज़ मैंने रेसिपी शेयर की। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।